स्कैनिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव, कैसे स्कैन कर सकते हैं हम वायरस के लिए, ठीक है। समटाइम योर कंप्यूटर मे बी वायरस अफेक्टेड दैट डज नॉट अलाउ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर। अगर वायरस एंटर करेगा मशीन में तो मशीन नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन बूटिंग एज वेल एज रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम कर सकता है और बूटिंग में भी प्रॉब्लम कर सकता है। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर बूटिंग डेस्कटॉप आता है, फिर हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन बूटिंग एज वेल एज रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। इट कैन ऑल्सो टेक मोर टाइम इन ओपनिंग सेविंग एंड रनिंग अ फाइल। मतलब वायरस एंटर करने के बाद ऐसा हो सकता है फाइल को ओपन करने में या कोई डेटा को सेव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अंडर दिस सिचुएशन यू नीड टू फाइंड वेदर योर कंप्यूटर सिस्टम इज अफेक्टेड विथ एनी वायरस और नॉट। इफ येस देन यू रिक्वायर टू रिमूव वायरस फ्रॉम द हार्ड डिस्क सो दैट इट वर्क्स प्रॉपरली। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? स्कैनिंग करना है, ठीक है। मतलब पूरा मशीन को ठीक से स्कैन करना है कि कोई वायरस एंटर किया है कि नहीं। अगर वायरस डिटेक्टेड हुआ तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर जाके कंप्यूटर ठीक से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्कैनिंग भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखो कुछ मीनिंगफुल टर्म्स, बूटिंग, स्कैनिंग एंड वायरस। बूटिंग द स्टार्टिंग अप प्रोसीड्योर दैट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज नोन एज बूटिंग। तो बूटिंग क्या है? बूटिंग है स्टार्टिंग अप प्रोसीड्योर जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्कैनिंग, इट इज द प्रोसेस टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक प्रोसेस है जो वायरस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो वायरस, इट इज एन अनवांटेड डेटा दैट एंटर्स इनटू द कंप्यूटर एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वायरस क्या है? ये एक अनवांटेड प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में अगर एंटर करे तो कंप्यूटर को नॉर्मल फंक्शनिंग करने से रोकता है। मतलब ऐसा कुछ अबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स में जो यूजर को अपना काम ठीक से करने नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट देखो प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव। अब स्कैन कैसे करते हैं उसका स्टेप्स देखो। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर स्कैनिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव। डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर आइकन में डबल क्लिक करो, अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर विंडो विल बी डिस्प्लेड शोइंग डिफरेंट ड्राइव्स एंड डिवाइसेस। जो कंप्यूटर विंडो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चूज द ड्राइव टू बी स्कैन्ड। कौन से ड्राइव को स्कैन करना है उसको चूज करना है एंड क्लिक राइट बटन ऑफ द माउस। मतलब उसी ड्राइव में राइट क्लिक करना है। अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, क्लिक ऑन द ऑप्शन क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी स्कैन अवेलेबल इन द मेन्यू। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। अगर मशीन में क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो तो ये ऑप्शन आएगा क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी स्कैन। अगर दूसरा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो तो उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम पे टोटल स्कैन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसे टोटल स्कैन ऑप्शन में क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट
Scanning of C drive will get started that can be seen in QuickHill total security window. यहाँ पे QuickHill को रेफरेंस करके बोला है, लेकिन दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन QuickHill टोटल सिक्योरिटी स्कैन या कोई भी एंटीवायरस के टोटल सिक्योरिटी स्कैन में अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सी ड्राइव स्कैन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? लेट द स्कैनिंग बी कंप्लीटेड बाय 100%। जब तक 100% स्कैन ना हो तब तक उसको कंप्लीट होने दे, मतलब मशीन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? इट विल शो अ रिपोर्ट अबाउट फाइल रिपेयर्ड, फाइल क्वारंटाइन्ड, फाइल डिलीटेड एंड द फाइल हैविंग आईओ एरर्स। तो आफ्टर स्कैनिंग पूरा रिपोर्ट दे देगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से फाइल को रिपेयर किया गया है, कौन से फाइल को क्वारंटाइन किया गया है, मतलब ये वायरस अफेक्टेड है, कौन से फाइल को डिलीट कर दिया गया है और कौन से फाइल में आईओ एरर्स है, मतलब इनपुट आउटपुट एरर्स है, ठीक है? लास्ट स्टेप देखो, आफ्टर स्कैनिंग हैज बीन कंप्लीटेड 100% इट विल डिस्प्ले अ विंडो विद अ मैसेज स्कैनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली नो वायरस फाउंड। तो जब पूरा 100% स्कैन हो जाएगा तब एक मैसेज देगा मशीन के स्कैनिंग कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली और नो वायरस इज फाउंड। अगर वायरस मिलेगा तब क्या होगा, तब वायरस का एक डिटेल शो करेगा कि कौन कौन सा फाइल अफेक्टेड है, ठीक है? क्लिक ऑन क्लोज बटन टू टर्मिनेट द प्रोसेस। फिर क्लोज बटन को प्रेस करो तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है? अब देखो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन या डीफ्रैगमेंटेशन क्या है? जैसे मान लो कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम गूगल से सर्च किए या तुम इंटरनेट से सर्च किए और उसको डिफरेंट पेजेस में लिख के इधर उधर रखे, तो एग्जाम के आगे क्या होगा, तुम्हें वो सारे पेजेस ढूंढना पड़ेगा फिर लर्न करना पड़ेगा, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना? लेकिन अगर एक ही पेज में सारे इंफॉर्मेशन को तुम स्टोर करके रखो तो वो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, है ना? तो एग्जाम के टाइम में रिवाइज करना तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। तो यही है फ्रैगमेंटेशन एंड डीफ्रैगमेंटेशन, मतलब जब हम इधर उधर रख रहे हैं चीजों को या इंफॉर्मेशन को, वो है फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है? लेकिन जब वो सारे इंफॉर्मेशन को एक पेज में कॉपी करके रखते हैं या बोल सकते हो चीजों को एक जगह पे हम कलेक्ट करके रखते हैं तो वो हो गया डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है? देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इट मे हैपन दैट यू हैव रिटन अ मैटर रिलेटेड टू द सेम टॉपिक इन डिफरेंट पेजेस ऑफ अ नोटबुक रैंडमली। इधर होता तुम लिखे, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इट विल बी टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पेजेस। सारे पेजेस को कलेक्ट करके फिर रिवाइज करना ये बहुत टाइम टेकिंग है ना? नेक्स्ट देखो, इफ द मैटर वुड हैव बीन रिटन इन वन प्लेस ऑफ अ नोटबुक देन इट वुड टेक लेस टाइम टू गो थ्रू इट। अगर एक पेज में लिखा हुआ होता तो रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता। द कंटेंट ऑफ द टॉपिक इन रैंडम पेजेस कैन बी सेड टू बी फ्रैगमेंटेड एंड ब्रिंगिंग देम इन वन प्लेस एज डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है? तो जो इधर उधर हम लिखते हैं वो है फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है? लेकिन जब सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक ही पेज में लिखते हैं तो वो हो गया डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है?
A file gets stored in a location of the hard disk. If in future you add some more information, then the size of your file will increase. वैसे कंप्यूटर में भी फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन होता है. देखो, मान लो कि एक फाइल तुम स्टोर करके रखे, फिर फ्यूचर में और कुछ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखे, तो उसका साइज तो बढ़ गया है ना. पहले एक साइज का था, अब उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें आ गया है. तो देखो, इट मे डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंप्लीट फाइल इन द ओरिजिनल लोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. तो ओरिजिनल लोकेशन में तो वो नहीं रह सकता क्योंकि वो तो थोड़ा साइज में लार्ज हो गया. Hence, a part of file is shifted to other location. तब मशीन क्या करता है, उसके कुछ पार्ट को अदर लोकेशन में शिफ्ट कर देता है. ऑन द हार्ड डिस्क इज सेड टू बी फ्रैगमेंट ऑफ द फाइल. वही जो कुछ इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ द फाइल. द सिस्टम नीड्स लोडिंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द हार्ड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच फाइल्स. अब फ्यूचर में जब उसी फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिस्टम को इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. ये एक प्रॉब्लम है. Hence, a fragmented file takes more time to execute. तो इसीलिए फ्रेगमेंटेड फाइल ज्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में. ठीक है. टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ द फ्रेगमेंटेड फाइल, डीफ्रेगमेंटेशन इज यूज्ड. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डीफ्रेगमेंटेशन यूज होता है. दस डीफ्रेगमेंटेशन इज अ सिस्टम टू कलेक्ट द स्कैटर्ड सेगमेंट ऑफ अ फाइल एंड ऑर्गेनाइज देम इन वन स्पेसिफिक प्लेस इन द हार्ड डिस्क. तो डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, सारे जो इधर उधर के चीजें हैं, इधर उधर के फाइल के कंटेंट है, वो सारे फाइल के कंटेंट को एक जगह पे लाके सजा के रखता है. ठीक है. द डीफ्रेगमेंटेड फाइल टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन. तो इसलिए डीफ्रेगमेंटेड फाइल लेस टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पे सारे इंफॉर्मेशन है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ डीफ्रेगमेंटिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव. अब कैसे डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं, देखो इसके स्टेप्स. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू डीफ्रेगमेंट अ हार्ड डिस्क. डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन. ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर आइकन में डबल क्लिक करो. अ विंडो विल अपीयर शोइंग ऑल द फोल्डर्स डिवाइस एंड ड्राइव्स. एक विंडो आएगा जो कंप्यूटर आइकन के अंदर क्या कंटेंट है वो दिखा रहा है. नेक्स्ट पेज में जाओ. सिलेक्ट सी ड्राइव एंड क्लिक राइट बटन ऑफ द माउस. सी ड्राइव को सिलेक्ट करो, फिर राइट बटन क्लिक करो माउस का. अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर. क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज. फिर उसके बाद उसी ड्रॉप डाउन मेनू में से प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक करो. सी ड्राइव प्रॉपर्टीज विंडो विल अपीयर. सी ड्राइव प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगा. सिलेक्ट टूल्स ऑन मेनू बार. मेनू बार में से टूल्स को सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज बटन. फिर ऑप्टिमाइज बटन में क्लिक करो. ठीक है. यू विल फाइंड एन ऑप्टिमाइज ड्राइव्स विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन. एक विंडो आएगा जिसका नाम है ऑप्टिमाइज ड्राइव्स. इट मेनली कंटेन्स टू बटन्स, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज. दो बटन है इस विंडो में, एक है एनालाइज, दूसरा है ऑप्टिमाइज. एनालाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द ड्राइव टू बी डिफ्रेगमेंटेड. तो जिस ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो पहले. ऑन क्लिकिंग एनालाइज बटन इट विल स्टार्ट फाइंडिंग द स्कैटर्ड कंटेंट ऑफ द फाइल. फिर अगर तुम एनालाइज में क्लिक करोगे तो वो ढूंढना शुरू कर देगा कि कहां कहां पे स्कैटर्ड कंटेंट है.
वेट अंटिल एनालिसिस इज 100% कंप्लीट. 100% कंप्लीट होने तक वेट करो. अब ऑप्टिमाइज. वंस द एनालिसिस इज कंप्लीटेड क्लिक ऑप्टिमाइज बटन. अब एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तब ऑप्टिमाइज बटन में क्लिक करना है. इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क. तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा मशीन. द कलेक्टेड सेगमेंट विल फाइनली बी फिक्स्ड एट वन प्लेस. तो सारे कलेक्टेड सेगमेंट्स को एक प्लेस में मशीन फिक्स कर देगा आपका. ठीक है. एज सून एज इट विल शो ओके 0% फ्रेगमेंटेड अगेंस्ट द ड्राइव means no fragment is left to be optimized. तो पूरा काम जब हो जाएगा मतलब पूरा defragmentation जब हो जाएगा तब एक message देगा okay 0% fragmented मतलब और कोई fragmented part नहीं है. ठीक है. Hence the drive is defragmented. Finally click close button on optimized drives window and click OK and apply button on C drive's properties window. फिर क्या करना है? C drive properties window के OK button में and then apply button में click करना है. ठीक है. Next देखो. Operation support system. Operation support system is abbreviated as OSS. तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है OSS. इट इज यूज्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर TSP एज अ नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम. तो ये एक नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम है मतलब नेटवर्क को सपोर्ट करेगा इंटरनेट को सपोर्ट करेगा. ठीक है. It provides the facility to take care of network requirement. तो ये क्या facilitate करता है? Network requirements का ध्यान रखता है. It includes the following management. क्या क्या management है देखो. Service assurance, service delivery, service fulfillment, network management, customer care. ये सारे ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है. नहीं, सर्विस एश्योरेंस का मतलब है सर्विस वो दे पाएगा कि नहीं वो अश्योर करता है. सर्विस डिलीवरी का मतलब है सर्विस दे रहा है. सर्विस फुलफिलमेंट मतलब वो पूरा सर्विस दे दिया. नेटवर्क मैनेजमेंट पूरा नेटवर्क को मैनेज करना. और लास्ट कस्टमर केयर मतलब कस्टमर्स से डील करना के कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है उसको सुन के फिर सॉल्व करना. ठीक है. तो ये सारे ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम है. दो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है OSS. दो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है OSS का और एक है TSP का. ठीक है. नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software. Application software is a set of programs that provides a platform for the user to carry out his task. Matlab, without application software, we cannot be able to use computer system. ठीक है. अगर application software ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम computer में. ठीक है. Application software runs at the background of the system software. That is operating system. It means we need an operating system to work efficiently for any application software to work or function. मतलब application software operating system के help से task perform करता है. अगर operating system उसको control नहीं करेगा तो वो कुछ काम नहीं कर सकता. ठीक है. The application software can be categorized into the following two types. क्या क्या types है? Special purpose application software and general purpose application software. Special purpose application software देखो.
These type of application software are designed specially to carry out only one type of task. अगर कोई special task करने के लिए application software को बनाया जाए तो वो application software सिर्फ वही काम करेगा. जैसे shopping malls का application software, वो सिर्फ शॉपिंग मॉल में जैसा काम होता है, मतलब हर एक आइटम्स का प्राइस को लेके काम करना, क्वांटिटी को लेके काम करना, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इस टाइप के सारे काम उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. ठीक है, शॉपिंग मॉल्स के सॉफ्टवेयर जो जनरल सॉफ्टवेयर है जैसे पेंट, जैसे लोगो, ऐसे काम नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग सिस्टम लाइक टैली इज यूज टू परफॉर्म अकाउंट ओरिएंटेड टास्क. इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम दैट इज स्टॉक कंट्रोल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन पैकेज. जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, एक है अकाउंट सॉफ्टवेयर टैली जो सिर्फ अकाउंट्स के ही काम करता है, और दूसरा है इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम मतलब स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट के सॉफ्टवेयर्स, वो सिर्फ वही काम करने में एक्सपर्ट है. ठीक है, अब देखो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द यूजर इज सेड टू बी द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड प्रोसेसर, इट कैन बी For example, the word processor. It can be used to print different types of documents like letter, notice, application, memo, etc. So, general purpose application software क्या है जिसे सब use कर सकते हैं. ठीक है, और general people का जो requirement है वो जिससे fulfill हो सके. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो word processor, ये एक ऐसा software है जहां पे कोई भी लेटर अरेंज कर सकता है या नोटिस लिख सकते हैं या एप्लीकेशन कर सकता है एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो. एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर गिवन एस. तो यहाँ पे कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है. फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसर. This application software is used to print a letter, notice, memo, or any applications. It allows easy modification and editing in the typed document. मतलब typed document को तुम easily edit कर सकते हो, उसका size बढ़ा सकते हो, कोई font style दे सकते हो, bolded कर सकते हो text को, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ये सारे काम तुम इजीली कर सकते हो. ठीक है, द रिसेंटली डेवलप्ड वर्ड प्रोसेसर इज एमएस वर्ड 2016 दैट वर्क्स ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज 7 और विंडोज 8. तो एक एग्जाम्पल दिया है जैसे एमएस वर्ड 2016, और भी बहुत सारे वर्जन है एमएस वर्ड का, ये एडवांस्ड वर्जन है. ठीक है, MS Word 2016 Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में कंफर्टेबल है, मतलब चल सकता है Windows 7 में भी, Windows 8 में भी. ठीक है, नेक्स्ट देखो स्प्रेडशीट. इट इज एन एप्लीकेशन पैकेज दैट इज यूज टू वर्क विथ टेबुलर डेटा, मतलब टेबल स्ट्रक्चर में हम काम कर सकते हैं. ठीक है, वैल्यूज रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स. टेबुलर मीन्स रो और कॉलम में हम वैल्यूज को सजा सकते हैं. द रिसेंटली डेवलप्ड स्प्रेडशीट इज एमएस एक्सेल 2016. इट अलाउज वेरियस कैलकुलेशंस ऑन टेबुलर डेटा. द डेटा कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. तो एमएस एक्सेल में हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, डेटा को टेबुलर शीट में सजा भी सकते हैं, और डेटा को चार्ट में या ग्राफ्स में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो डेटाबेस. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ फाइल. दिस फाइल कैन बी क्रिएटेड
विथ डिफरेंट डेटा फील्ड्स एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो यूजर्स रिक्वायरमेंट वाइज हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में, जो डेटा को सेंट्रली स्टोर करके रखता है। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम एक डेटाबेस है। देखो इंडिया में कितना सारा ट्रेन है, सब डिटेल्स एक ही डेटाबेस में रहता है और इंडिया के कहीं कोने में से तुम उसको ऑपरेट कर सकते हो, मतलब ट्रेन बुक कर सकते हो या बुकिंग कैंसिल कर सकते हो या ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो, है ना। तो ये डेटाबेस के लिए पॉसिबल है, डेटाबेस होने से ही पॉसिबल है, ठीक है। वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस फाइल कैन बी एडिटिंग, मॉडिफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। तो डेटाबेस फाइल को एडिट भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन सर्च भी किया जा सकता है वहां पे, और सॉर्टिंग भी होता है, मतलब सजाया भी जा सकता है, ठीक है। MS Access 2016 is the recently developed database system. तो MS Access 2016 डेटाबेस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मीडिया प्लेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू प्ले ऑडियो और वीडियो फाइल्स इज नोन एज मीडिया प्लेयर। तो जहां पे हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को रन करते हैं उसको मीडिया प्लेयर बोलते हैं। इट अलाउज यूजर टू प्ले मीडिया फाइल्स आइदर क्रिएटेड बाय हिम और डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट का भी फाइल चला सकते हो और खुद का भी फाइल चला सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट लिंक्स यूजर्स कंप्यूटर विद इंटरनेट। तो ये इंटरनेट के साथ लिंक करता है मशीन को। बाय यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर यू कैन ब्राउज एनी साइट ऑन द इंटरनेट। कोई भी साइट को ओपन कर सकते हो थ्रू इंटरनेट एक्सप्लोरर। एज सून एज यू एंटर वेब एड्रेस इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स द होम पेज ऑफ रिलेटेड वेबसाइट विल बी डिस्प्लेड एंड रिलेटेड वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो सर्च बॉक्स है, एड्रेस बॉक्स, वहां पे वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, फिर एंटर दे देना है। आफ्टर दैट वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसमें तुम काम करो। जैसे हम तो सभी जानते हैं गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सपोज योर स्कूल वांट टू कंप्यूटराइज द रिजल्ट टैबुलेशन एज पर पर्सनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्कूल। द प्रोग्रामर क्रिएट्स द सॉफ्टवेयर टू फुलफिल ऑल द नीड ऑफ द स्कूल। दिस सॉफ्टवेयर विल बी स्पेशलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड कॉपी ऑफ द स्कूल दैट कांट बी एंटरटेन्ड बाय अदर। मतलब जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूट कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, अपने कुछ पर्पस को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लो कि स्कूल एक रिजल्ट सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, जहां पे तुम लोगों का रिजल्ट दिखेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो तुम लोग एडिट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्रामर उसको ऐसे ही क्रिएट किया कि दूसरा कोई, मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन, उसको एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ स्कूल ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको एडिट या मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखो, इट इज सेड टू बी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इट मे बी डिजाइंड बाय यूजिंग अ सिंगल सॉफ्टवेयर और अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। सिंगल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कस्टमाइज्ड और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर भी कस्टमाइज्ड हो सकते हैं। द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर विल बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ योर स्कूल। मतलब स्कूल ही उसको एडिट या मॉडिफाई कर सकता है बिकॉज इट विल बी अंडर कॉपीराइट और लाइसेंस एग्रीमेंट। मतलब इसको चेंज करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट का
जरूरत है, मतलब एक ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन ही इसको चेंज कर सकता है, जनरल पर्सन उसको सिर्फ देख सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। Hence, customized software is a specially designed software developed to serve the need of an organization or a company. It is also called bespoke or tailor-made software. ठीक है, तो customized software को कोई भी organization अपने कुछ special purpose को solve करने के लिए बनाता है, और इसका एक नाम है, वो है बेस्पोक या टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक नॉलेज कॉर्नर है, देखो, कस्टमाइज इज द टर्म यूज टू पर्सनलाइज अ टास्क और एन एक्टिविटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कस्टमाइज का मीनिंग क्या है? रिक्वायरमेंट वाइज पर्सनलाइज करना, मतलब अपने हिसाब से उसको बना लेना, ठीक है, ये है कस्टमाइज का मीनिंग। तो यहां पे चैप्टर 2 खत्म होता है। आई होप के समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।